Welcome to HG Notification. In this video, we will go through for a question and answer in September month. And this video for basically IBPS PO, Clerk, and SSC JE and CGL. And it also for BMC exam, which is going to held in 25 November. So, abhi ye video mein hum log top 50 sirf question answer dekhenge. ओके सितंबर मंथ्स के क्वेश्चंस है सो विल स्टार्ट बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल इन आंध्र प्रदेश इट्स अ वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हु इनॉग्रेटेड दिस इलेक्ट्रिफाइड टनल नेमली एज आई एम सॉरी लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल ओके सेकंड क्वेश्चन इज वो अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ तेलंगाना तथा अभी ये पांच लोगों का नाम याद रखना है न्यू जो अपॉइंट हुए हैं गवर्नर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट जस्ट एक मिनट रुको यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं किया है लेकिन वन बाय वन मैं बताता हूँ तामिल साई जो है वो तमिलनाडु के तेलंगाना के हैं उसके बाद कालराज मिश्रा है राजस्थान उसके बाद कल्याण सिंह तो ऑलरेडी अपॉइंट है विद्यासागर राव जो महाराष्ट्र का थे अभी महाराष्ट्र के चेंज हो गए जो भगत सिंह कोश्यारी नाम है उनका तो महाराष्ट्र का है भगत सिंह कोश्यारी कालराज मिश्रा जो राजस्थान के तामिल साई सौंदर्य रंजन ये तेलंगाना के सो ये तीन लोगों के नाम याद रखना ठीक है नेक्स्ट विच कंट्री हैज इलेक्टेड ओलिस की होंचरुक एज इट 17th प्राइम मिनिस्टर तो ये है यूक्रेन ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद बंडारू दत्तात्रेय वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश है ये हाँ तो ये हिमाचल प्रदेश के इधर एक बताने भूल गया था यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था इसलिए मैंने बताया नहीं हिमाचल प्रदेश के भी कौन है बंडारू दत्तात्रेय सो ये पांच गवर्नर चेंज हो गए तो उनके नाम याद रखना एक कोई तो पूछेगा ही एग्जाम में विच बिकम्स India's first bank to deploy robotic arms as its currency chest to count millions of notes across the country. It's a ICICI bank. So ICICI bank का ये robotic arm के लिए उन्होंने एक first deploy किया है जो robot है मतलब nothing but currency chest में notes गिनने के लिए. उसके बाद how much funds are contributed by India to global fund for AIDS, TB and malaria? ये है $22 million. So India से इतना कंट्रीब्यूट हुआ है सिक्स्थ रिप्लेसमेंट साइकिल जो भी 2020 से 2022 होने वाला है उसके बाद वो हेडेड द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी दैट सबमिट्स द रिपोर्ट टाइटल स्टेयरिंग कमिटी ऑन फिनटेक रिलेटेड इश्यू 2019 वो जो रिपोर्ट है वो है अतानु चक्रवर्ती ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस और इसके लिए क्वेश्चंस है तो फिनटेक फाइनेंस इक्विपमेंट है इसलिए बारे में एक जो स्टेयरिंग कमिटी की रिपोर्ट जो बनने वाले तो उसमें उसके हेड कौन है अतानु चक्रवर्ती उसके बाद वेयर वॉज द एशिया फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन वर्चुअल रियलिटी बेस्ट एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर लॉन्च चेन्नई तमिलनाडु ये स्टेट का क्वेश्चन है तो स्टेट बेस्ड पे दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ये हो सकता है सो ये स्टेट का जो भी करंट अफेयर्स है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर ब्रोक द इंडियन रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन इंडियन विकेट कीपर इन T20 तो उनका नाम है ऋषभ पंत इसके पहले जो इंडियन विकेट कीपर जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया था वो थे महेंद्र सिंह धोनी अभी कौन है ऋषभ पंत संजीव राजपूत एंड यशविनी सिंह देसवाल वर एसोसिएट विद विच स्पोर्ट ये शूटिंग के लिए जाने जाए तो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पूछेंगे तो स्पोर्ट्स के बारे में क्रिकेट के बारे में बहुत कम पूछते हैं तो ये शूटिंग बैडमिंटन टेनिस टेबल टेनिस चेस इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ क्रिकेट के बारे में मत पढ़ो टेनिस और इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये संजीव राजपूत और यशस्विनी सिंह देसवाल ये दोनों शूटिंग के रिलेटेड मतलब स्पोर्ट्स उन वो शूटिंग खेलते हैं शूटिंग में शूटिंग्स का स्पोर्ट्स खेलते हैं ओके विच कंट्री
took over the chair association of world election bodies. तो ये है इंडिया जो फॉर द 2019 to 21. ओके तो जो अभी कौन है टेक ओवर किसका गया है इसको आई एम सॉरी हाँ टेक ओवर इंडिया ने किया है किससे किया है रोमानिया से किया है ओके हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इसका चेयरपर्सन कौन है अभी सुनील अरोड़ा जो हमारे इसके भी सुनील अरोड़ा हमारे इलेक्शन कमीशनर उसके भी हेड है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और अल्सो अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज तो ये दोनों नाम याद रखना मतलब नाम एक ही है और दो ऑर्गेनाइजेशन है तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हेड एक ही पर्सन है सुनील अरोड़ा हु विल चेयर द पैनल ऑफ मिनिस्टर्स दैट विल स्टडी प्रपोजल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैन प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ई सिगरेट थ्रू एन ऑर्डिनेंस तो ये निर्मला सीतारामन ने अभी ई सिगरेट के बारे में एक ऑर्डिनेंस निकाला था कि वो बैन करने के लिए इम्पोर्ट और प्रोडक्शन के लिए और उसके लिए उन्होंने फाइन भी रखा है तो फाइन्स के बारे में कुछ पूछेंगे नहीं लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट क्लोज किया है किसने और किसने ये आई एम सॉरी प्रपोजल किसने लाया है तो ये लाया है निर्मला सीतारामन ने तो अंडर विच एक्ट मौलाना मसूद अजहर हाफिज सईद झाकिर उर रहमान लखवी एंड दाऊद इब्राहिम हैव बीन डिक्लेयर एज द इंडिविजुअल टेररिस्ट तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 उसके हिसाब से ये टेररिस्ट डिक्लेयर किए इंडिविजुअल टेररिस्ट वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फोरेंसिक हेल्ड कहाँ पे हुआ है तो दिल्ली में हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वो सब दिल्ली में होते हैं तो याद रखना है दिल्ली को बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं तो इसको ट्रिक याद रखने की ट्रिक क्या है तो जो दिल्ली के हैं ना वो आपको याद नहीं रखने जो अदर देन दिल्ली है फॉर एग्जांपल जो कॉन्फ्रेंस मुंबई में होते हैं जो कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में होते हैं सो वो याद रखना है दिल्ली के ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ओके नेम द इंडियन डेलीगेट वो विजिटेड मालदीव्स टू एड्रेस फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस तो ये हुआ है मालदीव्स में जो गए थे तो वो गए थे सुब्रमण्यम जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है मतलब मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स के वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रैंक आया है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपिटिटिव इंडेक्स में तो इंडिया का रैंक है 34 तो इंडिया का रैंक कितना 34 है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपिटिटिव इंडेक्स इसके बाद क्रिसिल का अगेन ये एक है व्हाट इज अ डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए क्रिसिल का जो उन्होंने डाला है तो वो है 6.3% हर एक ऑर्गेनाइजेशन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए फॉर एग्जाम्पल आरबीआई का अलग हो सकता है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का अलग हो सकता है सीआईआई का अलग हो सकता है तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अलग अलग आते हैं आईएमएफ का अलग हो सकता है तो क्रिसिल का क्या है 6.3 तो आपको हर एक का याद रखना पड़ेगा तो क्रिसिल का 6.3 है आरबीआई का बाद में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नेम द वुमन एथलीट हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल 52 kg इन वर्ल्ड मार्शल आर्ट मास्टर शिफ जीव जिट्सू 2019 उनका नाम है अनुपमा स्वाइन उन्होंने उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है 52 kg में देखो क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वुमन एथलीट जिनका नाम आपको मालूम नहीं रहेगा वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स मास्टर शिफ जीव जिट्सू 2019 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्रिकेट के बारे में बहुत कम पूछेंगे फुटबॉल के बारे में बहुत कम पूछेंगे क्वेश्चन आएंगे आपको नेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो विजिटेड फार ईस्ट रशिया तो वो है नरेंद्र मोदी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हाँ ये तो इंडिया और यूएस का है युद्ध अभ्यास आया है तो इंडिया यूएस ओके जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको करने हैं तो इंडिया के मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो याद रखो इंडिया यूएस है इंडिया जापान है
इंडिया चाइना, इंडिया चाइना है, उसके बाद इंडिया रशिया है एंड इंडिया बांग्लादेश है, तो उनके बारे में याद रखना जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, नेम याद रखना. विच इंडिया विच आइकॉनिक प्लेस वॉज कन्फर्ड विद द बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन सैनिटाइजेशन कैटेगरी इन स्वच्छ भारत अवार्ड 2019. तो ये है माता वैष्णवी देवी टेम्पल इन जम्मू कश्मीर. ओके, तो माता वैष्णवी टेम्पल के बारे में याद रखना, वो स्वच्छ भारत अवार्ड के लिए आइकॉनिक मतलब बेस्ट अवार्ड मिला उनको. वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ वीक लॉन्ग जॉइंट मरीन टाइम नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका नेम स्लिनेक्स फॉर द ईयर 2019 हेल्ड. तो ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. तो मैक्सिमम जो मरीन टाइम जो होते हैं ना नवल एक्सरसाइज होते हैं, मतलब नेवी के बारे में जो मरीन के बारे में जो एक्सरसाइज होते हैं, तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो विशाखापट्टनम में होते हैं. तो विशाखापट्टनम आया तो याद रखने का, नेवी का कोई तो रहेगा नहीं तो मरीन का कोई तो एक्सरसाइज रहेगी. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान टू फ्रॉम विच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो lost its contact when it was 2.1 kilometer away from the surface of the moon. तो उनका नाम था विक्रम लैंडर. ऑप्शन वन विक्रम लैंडर. ओके, वॉट इज द नेम ऑफ चंद्रयान टू, आई एम सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. उसके बाद नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर वो वॉन अ सेट अगेंस्ट रॉजर फेडरर ड्यूरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ओपन यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2019. तो ये सुमित नागल, तो ये फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर है जो जीता है अगेंस्ट रॉजर फेडरर के. ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रॉजर फेडरर मतलब टेनिस के इसमें बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनको फर्स्ट इंडियन जो है जिन्होंने हराया है उनका नाम है सुमित नागल. बिटवीन विच टू कंट्रीज साउथ ईस्ट साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन 69 किलोमीटर इनॉग्रेटेड. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए ये जो पाइपलाइन डाला है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है, 69 किलोमीटर का है, ये भी याद रखना. वो स्टेप वो स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ द चाइनीज फर्म अलीबाबा ग्रुप. तो ये सबको मालूम रहेगा जैकमा जिन्होंने चेयरमैनशिप अभी छोड़ दी है, तो जैकमा फॉर अलीबाबा ग्रुप. व्हाट इज द थीम 11th एडिशन डेफ एक्सपो विच विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लखनऊ उत्तर प्रदेश फ्रॉम फेब्रुआरी 5th to 8th. सो इसका थीम क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट है. नेम द फर्स्ट वुमन गवर्नर तेलंगाना. हाँ, इनका नाम तो आपको मालूम है, तेलंगाना का बात बताया था मैंने, तो इनका नाम था डॉक्टर तमिलसाई सौंदर रंजन. जो यंगेस्ट स्टेट गवर्नर इन द एज ऑफ 58 अमॉन्ग ऑल करंट गवर्नर, तो फर्स्ट वुमन गवर्नर है ऑल्सो यंगेस्ट गवर्नर है. ओके, वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इफेक्ट फ्रॉम 11 सेप्टेम्बर. तो यह है प्रमोद कुमार मिश्रा. तो न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, PM के प्रमोद कुमार मिश्रा. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच हैज पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया एंड थाईलैंड. तो ये इंडिया और थाईलैंड का जो है ना, तो इसके लिए याद रखना मैत्री. ओके, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में. तो ये मैंने बताया था जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोगों को याद रखने हैं, तो उसमें से वन ऑफ द इंडिया और थाईलैंड के बीच में उसका नाम है मैत्री. इंडिया यूएस के बारे में जो हम लोग उसमें युद्ध अभ्यास जो आया था वो एक है और एक सेकेंड नंबर. विच कंट्री हैज जॉइंट 16 मेंबर ऑफ द ग्लोबल एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब. तो ये इंडिया है, 16 मेंबर है इंडिया ग्लोबल माइक्रो एंटी माइक्रोबायल माइक्रोबियल का रेजिस्टेंस के लिए, तो ये इंडिया 16 नंबर है. नेवी एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा 2019 बिटवीन विच कंट्री, तो इंडिया और मलेशिया. समुद्र लक्ष्मणा याद रहेगा तो इंडिया और मलेशिया. वो लॉन्च इंडिया फर्स्ट मरीन टाइम कम्युनिकेशन सर्विस
along with the central equipment identity register system to track stolen mobile phone in India. तो रविशंकर प्रसाद ने इसके बारे में एक लॉन्च किया है ये. ओके, ये सिस्टम है. इसके इससे हम लोग जो लॉस हुए, जो मतलब जो फोन स्टोल हो गए, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो विच कंट्री हैज टूक ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP from China to next 2 years till 2021, which is India. तो कौन से कंट्री है जिन्होंने टूक ओवर किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फ्रॉम चाइना 2 साल के लिए? इंडिया ने. देन द लार्जेस्ट वॉर एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इन विच 17 माउंटेन कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम. हिम विजय, ये याद रखना, हिम विजय. वॉट इज द क्रॉस डोमेस्टिक, देखो ये अलग आ गया. GDP जो मैंने बताया था GDP के बारे में, क्योंकि GDP हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बताता है. जैसे क्रिसिल ने बताया था 6.3 फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, लेकिन IMF बता रहा है 7%. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बताता है. क्रिसिल ने 6.3 बताया था, IMF ने बताया 7%, RBI कोई और बताएगी. तो हम लोग को हर एक का अलग अलग याद रखना पड़ेगा. वो विल हेड द 8-member हाई लेवल पैनल टू स्टडी इशू रिलेटेड नॉन पर्सनल डेटा एंड सजेस्ट द वेज टू रेगुलेट नॉन पर्सनल डेटा. तो वो है क्रिस गोपाल का, क्रिश है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गए, क्रिश गोपाल कृष्णन है. ओके, तो क्रिश गोपाल कृष्णन उनका नाम है, जो हाई लेवल पैनल बैठा था जो नॉन पर्सनल डेटा एंड सजेस्ट उनको रेगुलेट करने के लिए. तो विच कंट्री इज सेट टू होस्ट बाइनियल इंटरनेशनल वुमन्स यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप फीफा वुमन्स के लिए अंडर 17 वर्ल्ड कप नवंबर 2020 में जो होने वाला है, तो उसके लिए होस्ट कौन करने वाला है? इंडिया होस्ट करने वाला है. तो यूथ फुटबॉल वुमन का अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है 2020 में. Where was the 350-meter tall lotus tower, the tallest tower of South Asia, worth over 100 million unveiled recently? तो ये हुआ है कोलंबो श्रीलंका में. तो 350 मीटर का टावर है ये, उसका नाम है लोटस टावर. तो ये किधर है? कोलंबो श्रीलंका. ओके, और ये टॉलेस्ट टावर है साउथ एशिया, वो साउथ एशिया में सबसे टॉलेस्ट टावर है, उसका नाम है लोटस टावर. By which year India will achieve 26 billion defense industry target 2025? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिफेंस के बारे में एक हाथ क्वेश्चन आता है तो ये उसमें से वन ऑफ ये फेवरेट हो सकता है. तो 26 बिलियन डिफेंस का टारगेट कब हो सकता है? 2025 तक. विच कंट्री हैज स्टॉप द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट टाइटल द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 विथ 17.5 मिलियन माइग्रेंट्स ग्लोबली फॉर द ईयर 2019? तो ये उसमें इंडिया है टॉप पे. तो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स ज़्यादा कहाँ पे हुए हैं इंटरनेशनल में? तो इंडिया के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट हुए एज वी नो. विच फिल्म won the best film award in the 20th edition Nexa International Film Festival Academy Award IFA Award for the 2019 to the Mumbai to in Maharashtra mein jo aap hai Mumbai mein hua tha uske liye IFA ke liye yaad rakho IFA ke liye best movie tha wo Raji tha IFA ke liye best male actor jo the Ranveer Singh to ye dono ka naam yaad rakhna. वो वॉज अपॉइंटेड एज अ 26 चीफ एयर स्टाफ. अभी ये दो नाम है यहाँ पे, एक 26 चीफ एयर स्टाफ है और एक 26 चीफ एयर स्टाफ ये चीफ है और वाइस चीफ भी दोनों अपॉइंट हुए हैं. तो चीफ का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वाइस चीफ का नाम है, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन डाला रहेगा. तो यहाँ पे वाइस चीफ कौन है? तो वाइस चीफ है हरजीत सिंह अरोड़ा. तो दोनों का नाम याद रखना और दोनों अलग अलग है. तो हरजीत सिंह अरोड़ा ये वाइस चीफ है और चीफ कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया. नेम द जर्नलिस्ट वो रिसीव फर्स्ट गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड
2019 बाय गौरी लंकेश मेमोरियल ट्रस्ट इन बेंगलुरु कर्नाटका, उनका नाम है रविश कुमार। और रविश कुमार को अभी एक और अवार्ड मिला है, रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, तो वो भी याद रखना। वो वॉन द सिल्वर मेडल एंड बिकम द फिफ्थ इंडियन टू रीच द फाइनल एट द सेमी सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, दीपक पुनिया। तो दीपक पुनिया उन्होंने सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचे थे, फर्स्ट फिफ्थ इंडियन है ये जो, और उनको सिल्वर मेडल मिले। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट विद एग्रीगेट ऑफ 2450 रन्स। सो उनका नाम है विराट कोहली। विच एंटिटी हैज टॉप अमॉन्ग द इंडियन कंपनीज इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट रिगार्डेड कंपनी लिस्ट 2019, तो वो है इन्फोसिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ, जो मैंने बताया था अभी, हरजीत सिंह अरोरा। थैंक यू। और ये टॉप 50 क्वेश्चन है, सेप्टेम्बर मंथ के क्वेश्चन है। सेम मैं दूसरे क्वेश्चन अपलोड करूँगा, अक्टूबर के भी अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच। और ये अभी जो बीएमसी का क्वेश्चन, बीएमसी की एग्जाम होने वाली है 25th को, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।